योगेश ब्लॉग कुंडो में आप लोग का स्वागत है। और देख सकते हैं किसान किसान जितना भी भाई किसान, आज आप लोग को बता देते हैं कि बुंडू में बहुत तेज बारिश दे रहा था कल, और खेत थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है खेत में। आप यहाँ धान लगाने का स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन में लगाएगा, और पानी उनी पूरा हो गया है और जोताने स्टार्ट हो जाएगा बाड़ी खेत। और बीड़ा सब इतना बड़ा बड़ा हो गया है, एक अंगुली जैसा मेरा, एक हिस्सा से ज़्यादा। और गाइस आज गाइस और फिर से बोलना चाहते हैं कि देख सकते हैं किस टाइप का हो गया है धान खेत में है हम, और पानी है थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ, और बारिश देने देगा और हल जोतने से पानी होगा गाइस, एड अच्छा से बनाने से। और गाइस हम लोग को ये भी बताते हैं कि देख सकते हैं कि इतना मेहनत करके पक्षी को खिला दे रहा है, पक्षी खा जा रहा है, धान का बहुत कीमत है बोल के भी और खा जा रहा है। देख सकते हैं पक्षी, और बहुत कीमत है। और गाइस यहाँ खेत में देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा हो गया है, और नीचे डाबर है, और वहाँ देख सकते हैं कि पानी पूरा हो गया है, उसका टेंशन नहीं है, और उसका भी बेड़ा इतना बड़ा बड़ा बढ़ गया है, पूरा पानी हो गया है सब तरफ, हल उल एक बार आएगा, हल उल पूरा जुटाएगा यहाँ। और गाइस देख सकते हैं कि आज 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 आप लोग को बता रहे हैं कि जितना भी किसान भाई हैं कि आप लोग थोड़ा सा चावल को ध्यान से, थोड़ा सा मेहनत करके और ध्यान दे के थोड़ा सा कीजिए गाइस। और गाइस इसी जगह वीडियो कमेंट करते हैं गाइस, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और थोड़ा सा किसान भाई जितना भी मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिएगा, 120 दिन लगता है चावल को ठीक करने के लिए, चावल बनाने के लिए, और धान से चावल बनाने से 120 दिन लगता है गाइस। गाइस बाय।